शाजापुर नगर में इस बार दशहरा पर्व 71 फीट का रावण जलाया जाएगा। पहली बार नगर में राम जी का पुतला भी बनाया गया जो कि रावण का वध करेगा, लेकिन अभी तैयारियां चल रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व हिंदू उत्सव समिति द्वारा मनाया जाता है। इस बार रावण का दहन कुछ अलग अंदाज में किया जाएगा। इस बार नगर में 71 फीट रावण जलाया जाएगा। वहीं आतिशबाजी कलाकार को बाहर से बुलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक, कई नेता, प्रशासन की ओर से कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत हजारों की संख्या में शहरवासी मौजूद रहते हैं। शानदार नागरिक बंधुओं, नवरात्रि और आने वाले दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्व हिंदुत्व समिति द्वारा आयोजित दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में इस वर्ष दशहरा का कार्यक्रम प्रतिवर्ष अनुसार मनाया जाएगा। इस वर्ष समिति ने 51 फुट रावण का निर्माण किया है और साथ ही यहाँ पर प्रतिवर्ष आतिशबाजी का भी आयोजन किया है। 4:30 बजे श्रीकृष्ण व्यायामशाला से राम जी की सवारी का जुलूस वहाँ पर शुरू होगा। कलेक्टर SP द्वारा वहाँ पर आरती के बाद जुलूस का कार्यक्रम जो सीमित मार्ग से होता हुआ दशहरा मैदान स्टेडियम ग्राउंड को पहुँचेगा। यहाँ पर 71 फुट का रावण का दहन होगा। अब के विशेषता ये है कि एक रावण के साथ साथ एक राम जी का भी पुतला हमने बनाया है जो कि चलित रहेगा, यहाँ पर चलता हुआ रहेगा और साथ ही वो चल के ही रावण का दहन करेगा। यहाँ पर भी माननीय कलेक्टर साहब, सांसद जी और क्षेत्र के विधायक जी, पूर्व विधायक जी और हमारे ट्रस्टी श्री कृष्ण व्यायामशाला के सभी अतिथि के रूप में रहेंगे। सारी नगर की जनता यहाँ उपस्थित रहेगी। आतिशबाजी के साथ ही इस कार्यक्रम का करीब 8:30 बजे रावण दहन होगा। लोगों से ज़्यादा हमारा निवेदन, कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत हमने नगर में भी CT स्कैन की व्यवस्था की है, जिसका डायरेक्ट प्रकाशन आजाद चौक, टंकी चौराहा, बस स्टैंड पर होगा और कुछ लोग यहाँ पर आएंगे। जितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर आए और बच्चों को सावधान रहें।